आप ये फ्रेंड्स कपकेक या बोल सकते हैं इडली वाले केक को देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। इसमें हमने ना मिल्क पाउडर का यूज किया है ना ही कंडेंस मिल्क का, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। और इसे आज हम बिना ओवन के इडली मेकर में ही बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले 3/4 कप हल्का गुनगुना दूध। इसमें ठंडे दूध का यूज नहीं करना है, दूध जो है हल्का गुनगुना होना चाहिए। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच विनेगर और इसे हम इस तरह थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ में यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 1/2 कप पिसी हुई चीनी। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये केक जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इसे हम जिसमें केक को बनाएंगे उसे भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जब हम केक को निकालें तो वो आराम से निकल जाए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ ऑयल को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा। मैदा को थोड़ा सा छान के आप ले लें, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं इस तरह का हमें केक का बैटर चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा जो इडली केक है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। अब हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देंगे टूटी फ्रूटी। तो मैं यहाँ पे लाल वाले और हरे वाले टूटी फ्रूटी का यूज कर रही हूँ। आपके पास जो है आप वो डाल सकते हैं, या फिर इसके जगह ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। जो आपके बच्चों को पसंद है आप उस तरह के यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट में हम डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। ये 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डालेंगे। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को डाल दें तो इस तरह इसे आराम से मिक्स करना है। तो यहाँ हमारा बैटर तैयार हो चुका है, 3/4 कप में ही हमारा बैटर तैयार हो चुका है, हमने एक्स्ट्रा में इसमें दूध नहीं डाला है। अब इस तरह इस स्पैचुला से अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और इस तरह इडली मेकर में हम डाल देंगे। इसे हमें थोड़ा सा खाली ही रखना है, क्योंकि जब ये फूलेगी तो ये परफेक्ट बन जाएगी। अगर ज़्यादा भर देते हैं तो सारा इडली केक जो है एक दूसरे में चिपक जाएगा। तो यहाँ 1 कप में मैदे में टोटल हमारा 10 इडली केक बन के तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा टूटी फ्रूटी, और साथ ही साथ आप इडली मेकर को जो है उसके नीचे ऑयल डाल के उसे भी गर्म होने के लिए डाल सकते हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने से पहले आप इडली मेकर को गर्म होने के लिए बैठा दें। तो यहाँ मैं पहले से ही इसे बैठा दी थी, तो नीचे में जो है हमारा यूज किया हुआ नमक है, और ऊपर में मैं अभी फ्रेश नमक थोड़ा सा डाली थी क्योंकि नमक थोड़ा कम हो चुका था। अब इसमें हम अच्छे से सेट कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो इसमें आराम से करें। और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसे हम 20 मिनट के लिए पकने देंगे, और 20 मिनट के बाद ही चेक करेंगे, बीच बीच में चेक नहीं करेंगे, नहीं तो इडली मेकर जो है वो ठंडा हो जाएगा और हमारा इडली केक परफेक्ट नहीं बनेगा। तो अब मैं इसे चेक कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये फूल के पूरा ऊपर तक आ चुका है, पर ये एक दूसरे में चिपका नहीं था। तो अब इस तरह टूथपिक से हम इसे चेक कर लेंगे, तो टूथपिक भी पूरा क्लीन निकला है। तो अब हम नीचे वाले को भी चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे वाला जो हमारा इडली केक है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेक हो चुका है, और उसके साइड्स भी रेड रेड दिखने लगे हैं। तो इसे अब हम निकाल लेंगे, और ऊपर वाले जो थे उसे हम फिर से डाल देंगे, और इसे 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फिर से ढक के बेक करेंगे, जिससे उसमें भी बहुत ही अच्छा कलर आ जाए और खाने में टेस्टी लगे, नहीं तो ये इस तरह थोड़ा सा हल्का कच्चा लगता है। तो 5 मिनट हो चुका है, तो और अब हम दोनों को ठंडे करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ अच्छे से ये ठंडा हो चुका है, और इसके साइड्स भी देख सकते हैं कितने आराम से निकल जा रहा है। तो आप नाइफ से इस तरह साइड्स को निकालते हुए इडली केक को निकालें।
कपकेक के जगह में आप बच्चों को ये वाला भी टिफिन में दे सकते हैं, और चाहे तो इसे 5 से 7 दिन आराम से फ्रिज में रख के भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट एकदम भी ख़राब नहीं होता, और आप देख सकते हैं इसका नीचे भी कितना अच्छा कलर आया है। और इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि आपका बैटर जो है वो परफेक्ट रहना चाहिए। अगर बैटर थोड़ा भी ज़्यादा लिक्विडी हो जाए तो इडली केक जो है आपका परफेक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार इडली केक बनके तैयार हो चुका है। एक केक को मैं कट करके भी आपको दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो आप भी इस तरह इडली केक को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।